दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना नगेंद्र जो है और दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नगेंद्र अमूल्य में। दोस्तों मैं आग्रह करना चाहूंगा किसी भाई ने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अफारा। जी हाँ दोस्तों, पेट का बाहर आना, पेट का फूल जाना। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपको महसूस होता है यार पेट तो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल अंदर, और जब आप शाम को होते होते आप घर आते हैं तो आप यूं फूके की तरह फूला हुआ शरीर, पेट फूला हुआ, आपको लगता है पता नहीं मैंने क्या कर लिया था, क्या खा लिया कि ये मेरा पेट बिल्कुल बाहर से आ रहा, मुझे मोटा मोटा सा लग रहा है। और सुबह तो बिल्कुल फिट था, जब मैं काम पे जा रहा था तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल आई एम ओके, आई एम फिट, बट शाम होते होते जैसे आप आते हैं तो ये पेट बाहर निकला हुआ। तो दोस्तों इसी बीमारी को कहते हैं अफारा या ब्लॉटिंग, पेट का बाहर आना। दोस्तों ये किस वजह से होता है? दोस्तों जब स्प्लीन में डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक प्रॉब्लम हमें घेर लेती है, इसको कहते हैं अफारा या पेट का बाहर आना। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम उनको होती है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सीलन वाले घर में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां पर बहुत सीलन है, या समय पे खाना नहीं खाना, ठंडा खाना खाना, या अपने समय से अनुसार ना चलना, दिमागी ज्यादा यूज करना, फालतू की बातें ज्यादा करना, टेंशन हमेशा लेके रहना, और ज्यादातर ये बीमारी जो घर सीलन में होता है, सीलन आप जानते हैं जब पानी से घर सीलन में हो जाता तो ये बीमारी आ जाती है। हम सोचते हैं यार पता नहीं हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कारण ये है। तो हमें गर्म तासीर की चीजें खानी चाहिए, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, अदरक हो गई, इन चीजों का सेवन हमें ज्यादा करना चाहिए और ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें गर्म भोजन का सेवन करें और ज्यादा दिमाग भी ना चलाएं, अपने काम पे ध्यान दें, बस फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना। और अगर इस तरीके की समस्या अगर आ चुकी, अगर आपको लगता है कि सुबह बिल्कुल पेट मेरा अंदर होता है और शाम होते होते ही ऐसा लगता है कि पेट बाहर है, सूजा सूजा सा लगता है आपको, शरीर एकदम फुग्गे की तरह लगता है, आप देखते हैं टाइट हो गए कपड़े, तो इसका सॉल्यूशन मैग्नेट थेरेपी में बहुत जबरदस्त है। अब आप देखिए कि किस तरीके से हम मैग्नेट्स लगाएंगे पॉइंट्स के ऊपर और इस ब्लोटिंग को दूर भगाएंगे और ये जो पेट हमारा बाहर आ गया था ये अंदर हो जाएगा और ये तमाम तरह की तकलीफें जो आ रही थी, सूजन पर आपको लग रहा था, कपड़े टाइट टाइट से हो रहे थे, आप खुद में अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों वो पॉइंट हमारे हाथों में, देखिए ये है मिडल फिंगर, इसमें पहला पॉइंट है जब इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे तो ना तो बीच में मिडल के जस्ट ऊपर, इस पॉइंट का ना ये जो उभरा हुआ भाग आता है दोस्तों, आप इस तरीके से उंगली करेंगे तो ये उभरा हुआ भाग दिखेगा आप, इसी पॉइंट का नाम है SP3, इसके जस्ट फर्स्ट ज्वाइंट के जस्ट नीचे मिडल में, इस पॉइंट का नाम है SP6, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों जब रिंग फिंगर और मिडल फिंगर में हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो जहां पे हमारा पैन रुक जाएगा, इस पॉइंट पर जब हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो जहां पैन रुक जाएगा वो ही ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है CV12, कंडक्शन वेसल 12। इसका एक तरीका और है दोस्तों, जब हम रिंग फिंगर को इस तरीके से मोड़ेंगे तो जहां पे भी एक टच होगी तो वो ही एग्जैक्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट मिडल फिंगर में ही है, फर्स्ट ज्वाइंट सेकंड ज्वाइंट के जस्ट ऊपर, इस पॉइंट का नाम है स्टोमेक 36। अब बात करेंगे दो पॉइंट और है, UB 21 और 20। अब इसको कैसे लोकेट करेंगे, जब हम इस तरीके से चार उंगली रखेंगे रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में, देखिए तो इसके आगे होता है
UB-22, इसके जस्ट नीचे UB-21 और UB-20। इस तरीके से हमने चार उंगली रखी, इसके आगे 22, 21 और ये 20। ये छह पॉइंट है, दोनों हाथों में है। ये जो अफरा की प्रॉब्लम थी, पेट बाहर आने की दिक्कत थी, ये इससे आप निजात पाएंगे। इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए ब्यूल मैग्नेट, एक तरफ से व्हाइट और एक तरफ से येलो, और लेंगे दोस्तों पेपर टेप। अब स्किन पे जो टच करेंगे छह पॉइंट्स पर, वो इसका मैग्नेट का येलो वाला कलर होगा, बाहर से हमें व्हाइट दिखेगा। पहले बात करेंगे SP3, इस पर हम इस तरीके से लगा देंगे। फिर लगाएंगे हम SP6, इस पर भी येलो कलर पे स्किन को टच होगा, बाहर से व्हाइट दिखेगा। अब लगाएंगे CB12, इस पर भी ये येलो वाला स्किन को टच, और इसके पीछे स्टोमेक 36, इस पर भी येलो वाला कलर टच करेगा। अब ये UB-21 और UB-20, इस पर येलो कलर स्किन को टच करेगा दोनों पॉइंट्स के ऊपर, बाहर से हमें ये व्हाइट वाला दिखेगा। पहले हम UB-21 और UB-20 के ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। दोनों हाथों में लगाना है, कई दिनों तक चलेगा, कई घंटों तक चलेगा। फिर उसके बाद देखेंगे आप ये जो आफ्रा की समस्या थी, स्प्लीन की डेफिशिएंसी होगी थी, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जैसे आपको सुबह महसूस होता था फिटनेस, अपना शरीर आपको सही लगता था, पेट अंदर रहता था, और वो वैसे ही रखेगा। और कोशिश करें गर्म भोजन करने की, और अगर सीलन है घर में तो उसको बिल्कुल ठीक करा लीजिए। नमस्कार, फिर मिलूंगा आपसे किसी एक नए वीडियो पे, किसी एक नए टॉपिक पे। मैग्नेट्स मंगाने के लिए संपर्क करें 7840042753। नमस्कार, फिर मिलूंगा आपसे किसी एक नए वीडियो पे, किसी एक नए टॉपिक पे। नमस्कार।